हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल टेक्नो मंथन में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ रेडमी की तरफ से है 9i स्पोर्ट्स। आज हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे इसी फोन के बारे में। ये मोबाइल एक तरीके से बजट सेंट्रिक फोन है, तो अगर आपका जो बजट कम है तो ये फोन आपके लिए खास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो एक तरीके से बजट सेंट्रिक फोन के आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा, ये जो मुझे मोबाइल मिला हुआ है मोबाइल अड्डा की तरफ से मिला हुआ है। अगर आप ये मोबाइल परचेज करना चाहते हैं डायरेक्ट रिटेल से, तो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा जहां पे आप डिटेल में आप मोबाइल को परचेज कर पाएंगे। दोस्तों साथ में बताना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को शुरू, लेट्स बिगिन। दोस्तों यहाँ पे है बॉक्स हमारे पास Redmi के 9i स्पोर्ट्स के मॉडल का। तो फटाफट से बात करते हैं यहाँ पे बॉक्स की पैकिंग की। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो पैकिंग देखने को मिल जा रही है वो एक ट्रेडिशनल सी पैकिंग देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पे MI की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और 4GB रैम का ये वेरियंट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बैक साइड की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको 4GB LPDDR4X की आपको रैम देखने को मिल जाती है। दो वेरियंट पे ये आता है आपका 64GB 128GB का। ये जो वेरियंट है 128GB का, यहाँ पे आपको बैटरी और प्रोसेसर की आपको एक बेसिक डिटेल देखने को मिल जाती है। G25 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो ये थी फोन के कुछ बेसिक डिटेल। बात करते हैं यहाँ पे इसके वेरिएंट के बारे में, तो कार्बन ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से बात करते हैं यहाँ पे बॉक्स के बारे में। तो फटाफट से करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फ़ोन को निकाल के कर देता हूँ साइड में और बात करते हैं यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या आपको एसेसरीज देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक सिम ट्रे पिन देखने को मिल जाती है, सिम इंजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है और एक आपको यहाँ पे एक बेसिक से पेपर वर्क्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन बॉक्स की जो पैकिंग की जो थी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैं तो यहाँ पे सोचा था कि यहाँ पे आपको एक केस कवर भी देखने को मिल जाएगा। तो इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पे देखते हैं चार्जर। तो ये एक ट्रेडिशनल आपको MI का एक चार्जर आपको देखने को लग जाएगा। तो जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे इसके अगर आउटपुट रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 10W का आपको एक चार्जर देखने को मिल जाता है जो, और साथ में आपको यहाँ पे एक केबल देखने को मिल जाती है। केबल की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टाइप ए USB केबल देखने को मिल जाती है। अगर ये टाइप सी होती थोड़ा और ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बात करें यहाँ पे दोस्तों इस फ़ोन के बारे में, तो ये जो फ़ोन पूरा है ये एक तरीके से बजट किंग फ़ोन है। तो हो सकता है कि इस वजह से आपको थोड़ी सी चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिल रही हों। फटाफट से करते हैं यहाँ पे फ़ोन को मैं कर लेता हूँ बाहर लेट से। तो दोस्तों जैसा कि मैंने फ़ोन को कर लिया लेट से बाहर, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, तो उससे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले देखने को मिल जाती है वो अपने आप में बहुत ही थोड़ा सी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 6.5 इंचेस की आपको एक HD पैनल की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगर ये फुल HD रेजोल्यूशन की होती तो और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता था। उससे पहले हम फ़ोन के बेसिक डिटेल के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ फटाफट से फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों बताना चाहूँगा यहाँ पे डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको प्राइमरी माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, टाइप ए USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ में आपको देखने को मिल जाता है मोनो स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। दूसरी साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम लॉकर देखने को मिल जाता है, साथ में पावर अनलॉकर लॉक बटन देखने को मिल जाती है। और टॉप साइड में जैसा कि आप जानते हैं कि रेडमी के जितने भी फोन आते हैं तो वहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो आपको 3.5 mm जैक आपको एक ऊपर सा देखने को मिल जाएगा। दूसरी साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे स्लॉट देखने को मिल जाता है, जो कि एक तरीके से बेसिकली एक आपको स्लॉट देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप 4G सिम आप इजीली लगा पाएंगे। तो ये थी फोन के बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल। बात करते हैं यहाँ पे इसके बैक साइड की, तो ये बेसिकली ये पॉलीकार्बन का आपको एक बैक देखने को मिल जाता है जहाँ पे आपको रेडमी की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है और सिंगल कैमरे का आपको एक सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि एक 13 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ में आपको एक LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली अगर मैं फोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो मिसिंग आपको देखने को मिल जाएगा वो आपका रहता है फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को नहीं मिलता है। और जो फ़ोन की जो डिज़ाइन है वो भी आपको काफ़ी बेसिक सी लगेगी, लेकिन ये एक बजट किंग फ़ोन है। फेस अनलॉक सिस्टम देखने को मिल जाता है, लेकिन जो फेस अनलॉक सिस्टम है वो हल्का सा आपको डिले सा लगेगा। तो ये थी फ़ोन के बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल्स। बात करते हैं यहाँ पे फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पे सेटिंग की तरफ, लेकिन उससे पहले बात करें यहाँ पे इसके बेसिकली UI की, जो UI आपको देखने को मिल जा रहा है वो भी ठीक ठाक आपको UI देखने को मिल जा रहा है। इसमें आपको ब्लोटवेयर जो देखने को मिल जा रहे हैं वो भी आप यहाँ पे इजीली आप उसे अनइंस्टॉल कर पाएंगे, और वो ब्लोटवेयर्स भी आपको बहुत ही कम देखने को मिल जाएंगे जो कि ना के बराबर है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स है, अगर आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं उसको आप इजीली यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर पाएंगे। तो ये थी फ़ोन के बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल। फटाफट से चलते हैं यहाँ पे सेटिंग की तरफ और देखते हैं कि आपको क्या परफॉर्मेंस और क्या चीज़ें आपको इजीली और भी देखने को मिल जाती हैं। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पे फ़ोन के अबाउट सेक्शन पे।
अबाउट सेक्शन के बारे में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको यूआई देखने को मिल जाता है जो कि 12 वर्जन का आपको देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आपको डिवाइस का नाम देखने को मिल जाता है रेडमी 9i की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस वेरिएंट के बारे में तो ये आपको वेरिएंट देखने को मिल जाता है 64GB का वेरिएंट है। साथ में अगर मैं एंड्रॉयड वर्जन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन 10 देखने को मिल जाता है। होप यहाँ पे आपको बहुत जल्द ही आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। और साथ में अगर मैं बात करूं इसके प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हीलियो का G25 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। कि हालांकि ये बहुत ज़्यादा, मैं नहीं बोलूँगा कि ये गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है, लेकिन अगर आप कोई भी गेम खेलना चाहते हैं जैसे फ्री फायर है या फिर आप पबजी खेलते हैं या फिर BGMI गेम खेलते हैं तो वो आप इजीली यहाँ पे खेल पाएंगे, लेकिन बहुत ही अपग्रेडेड सेटिंग पे नहीं खेल पाएंगे। लेकिन जितना अगर मैं बताऊँ तो नॉर्मल अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं वो आप इजीली कर पाएंगे, उसके मामले में ये फ़ोन आपको ज़्यादा निराश नहीं करेगा। साथ में अगर मैं डिस्प्ले की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको एक HD पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगर ये फुल HD होती तो और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो ये थी फ़ोन के बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल। यहाँ पे मैं फटाफट से करता हूँ कैमरे को ओपन। तो अगर मैं कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको कैमरा देखने को मिल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे अगर आपको मैं एक पिक्चर क्लिक करता हूँ, दो पिक्चर मैं क्लिक करता हूँ, एक मैं क्लिक करता हूँ HDR और एक करता हूँ मैं नॉर्मल HDR पे। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पिक्चर की क्वालिटी को लेकर, तो जिस हिसाब से अगर मैं बात करूँ इसके बजट किंग फ़ोन होने के बावजूद भी जो आपको यहाँ पे कैमरे की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है एक 13 मेगापिक्सल के कैमरे में, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ़ है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ खींचते हैं या फिर कुछ भी खींचते हैं तो उसके लिए आपको ये कैमरा थोड़ा सा ठीक भी लग सकता है। तो ये थी कैमरे के बारे में डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर सैंपल भी शेयर करूँगा, तो आप मुझे देखिए बताइए कि आपको उसकी क्वालिटी कैसी लग रही है, और साथ में ही मैं आपको कुछ वीडियो सैंपल भी शेयर करूँगा, तो जिससे आप ये चेक कर पाएंगे कि आपको जो इसकी क्वालिटी देखने को मिल रही है वो कितनी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रही है। तो बेसिकली अगर मैं अपने ओपिनियन की, दोस्तों ये जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये मैंने बनाई है इसी Redmi के 9i Sport से। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे की रिकॉर्डिंग कैसी देखने को लग रही है। मेरे अकॉर्डिंग में अगर अपनी बात करूँ तो यहाँ पे जो आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिल रही है वो ठीक ठाक है, क्योंकि एक बजट सेंट्रिक फ़ोन है और बजट सेंट्रिक फ़ोन में जो आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग का या जो कैमरे की क्वालिटी देखने को मिल रही है वो अप टू द मार्क है। यहाँ पे आपको एक ओरिजिनल कलर भी देखने को मिल जा रहा है। साथ में जैसा कि अगर मैं दूसरे ब्रांड की करूँ बात तो यहाँ पे आपको हल्की सी वाइटनेस का भी आपको देखने को इफेक्ट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको कलर देखने को मिल जा रहे हैं वो थोड़े से नेचुरल आपको कलर देखने को मिल जा रहा है, और कहीं कहीं पे ये आपको थोड़े से वाइब्रेंट भी देखने को मिल जा रहा है। बात करूँ यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेकर, तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल भी चल रहा हूँ तो यहाँ पे आपको हल्के से स्टेबिलिटी कम देखने को मिल जाती है, लेकिन ये फ़ोन एक तरीके से पूरा है बजट सेंट्रिक फ़ोन, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको चीज़ें मिल रही हैं वो ठीक ठाक मिल रही है। साथ में अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हीलियो का G25 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जा रहा है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ये मान के चलिए अगर आप हैवी गेम खेलना चाहते हैं वो तो आप इसमें नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अगर आप लाइट गेम खेलते हैं तो वो आप इजीली यहाँ पे खेल पाएंगे, फ्रेम रेट को आप अच्छे से सेट करके खेल पाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा ओपिनियन है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें और क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती थी, या फिर इसमें आपको कौन सी ऐसी चीज़ें जो बेहतर लग रही हैं। बैटरी अगर मैं बात करूँ 5000 की स्टैंडर्ड बैटरी चल रही है वो आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर टाइप ए पोर्ट की जगह टाइप सी पोर्ट दिया होता और टाइप सी केबल दी होती तो वो भी एक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता। दोस्तों ये थी कहानी पूरी यही Redmi 9i Sports के बारे में। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इस मोबाइल में कौन सा फीचर अच्छा लगा। अगर आपकी कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ये फोन यूज कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए कि आपके इसके क्या रिव्यू हैं, तो वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों साथ में अगर मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पे ये मोबाइल आपके लिए इतना ज्यादा खास क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो फीचर्स देखने को मिलते हैं आपको 4GB 64GB का एक वेरियंट आपको देखने को मिल जाता है। साथ में आप इसे इसको मेमोरी को भी आप एक्सटेंड कर पाएंगे, लेकिन साथ में अगर मैं बताऊँ इसका जो कैमरा आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का, लेकिन जो 13 मेगापिक्सल के साथ में जो आपको क्वालिटी दे रहा है, जो इसकी जूमिंग क्वालिटी दे रहा है, वो अपने आप में कहीं ज़्यादा बेहतर है। और साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कलर सेचुरेशन के बारे में बात करूँ, अगर कोई भी आप अगर पिक्चर क्लिक करते हैं तो वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी देखने को लग सकती है। बात करते हैं यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे में आपको थोड़ा सा कम सही लगेगा, क्योंकि अगर आप सेल्फी के लिए लेना चाहते हैं फ़ोन तो वो आपके लिए उतना खास नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप बजट सेंट्रिक अगर फ़ोन देख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए उस सारी चीज़ों में ये जो फ़ोन है आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब साबित हो सकता है।
तो इस फोन के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। अगर अभी तक आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो वहां पे फॉलो कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।